हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीतिका। प्रीतिका रियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज है दिवाली और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं वो सारे मेरे हो चुके हैं, तो मैं नहा भी ली हूँ और रेडी भी हो चुकी हूँ। और आज मैं पहनी हूँ ये वाला सूट। सो फ्रेंड, तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट और ये हमारे यहाँ का भिलाई का सुपेला मार्केट है। तो दीपावली की ख़रीदारी करने के लिए आ चुकी हूँ मैं, और मैं आई हूँ अपने देवर के साथ। तो ये देखिए, जितनी भी पूजा की सामग्री होती है वो सब इस दुकान पे मिल जाता है। तो हम लोग भी यहाँ से सामान ले लिए थे पूजा का। और यहाँ पे देखिए, इस दुकान पे कितने सारे कलरफुल रंगोली रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ से रंगोली पैक करवा लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही भीड़ था यहाँ पे रंगोली की दुकान पे। सभी लोग अपना कलर बता रहे थे और वो भैया दे रहे थे। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर आ चुके हैं सजाने के लिए, माला वाला और गेट पे लगाने के लिए। और मार्केट में तो इतना भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। सारे दुकानों पे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सभी लोग फल और पूजा का सामान लेने आए थे। कपड़े लत्ते सभी दुकानों पे इसी तरह से भीड़ थी। और फल भी आप देख सकते हैं कि फलों के ठेले भी कितने सारे लगे हुए हैं। तो हमने भी पैक करवा लिया है जो हमें लाना था मार्केट से। तो ये देखिए, हमारा सामान जो है वो अब घर पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं एक दिन पहले ही हम लोग भुजिया बना लिए थे। तो दीपावली में हमारे यहाँ अच्छे से मनाया जाता है दीपावली, जैसे यूपी बिहार में होली मनाया जाता है वैसे ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दीपावली मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ खाजा। खाजा तो यूपी में शादी में ही बनता है और वो भी हलवाई लोग बनाते हैं, घर में किसी को भी नहीं आता है बनाने के लिए। पर मेरे यहाँ सासू माँ को खाजा बनाना आता है तो हम लोग भी सीख गए हैं उन्हीं से। तो ये देखिए, सबसे पहले खाजा बनाने के लिए मैंने मैदा को नॉर्मल पानी से गूंथ लिया था और कड़ा ही आटा गूंथना है, गीला नहीं करना है। और लोई बना के और इस तरह से बेल लेना है रोटी के जैसे, और इसके ऊपर बैटर लगाएंगे जो कि सरसों तेल और आटे का है घोल, वही लगा रहे हैं। तो देखिए पूरा अच्छे से लगाना होता है ताकि खाजा खुले। तो देखिए अभी मैं इसे रोल कर रही हूँ, इस तरह से रोल करना पड़ता है खाजा बनाने के लिए। और भी तरीके हैं खाजा बनाने के, पर यही वाला खाजा ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम यूपी से भी बिलोंग करते हैं तो यूपी में भी इसी खाजे का प्रचलन है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ रोल को। तो इस तरह से पहले पीसेस काट ली हूँ मैं और फिर हाथों से इस तरह से प्रेस करके और इसे बेलूँगी। तो देखिए इस तरह से खाजा बेल रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। और मेरी देवरानी तलने के लिए बैठ चुकी है। तो किचन में हम नहीं बना रहे हैं, किचन के बाहर भी एक गैस है उसी पे देवरानी जो है वो तल रही है और मैं बेल के दे रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी सारा खाजा तैयार हो गया था इसी तरह से। और इन सब कामों में दो तीन जने रहते हैं तो बढ़िया रहता है। तो ये देखिए यहाँ भी मैं बेल के रखी हूँ। और इन सब में टाइम लग ही जाता है बनाने में, और खाने में भी अच्छा लगता है, सभी को पसंद आता है।
तो ये देखिए मेरी देवरानी कैसे फैला रही है इसको, खाजे को। जब मैं इस तरह से फैलाती हूँ तो वो बेल लेती है। तो इसी तरह से खाजा को फैलाना होता है, जो उसका परत होता है वो खुलता है, जो हम आटा और तेल लगाए रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह का खाजा बन के तैयार होता है। और शादी के पहले तो मुझे भी पता नहीं था कि खाजा बनता कैसे है, पर यहाँ पे जब आई तो देखी यहाँ पे कि इस तरह से घर में आसानी से खाजा बन जाता है। तो ये देखिए इतने सारे खाजे अभी तैयार कर लिए गए हैं। और ये देखिए मम्मी इसको चीनी का पाक करके खाजा को डुबा दी थी। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह से पाक करके रख दी हैं और उसमें मिला दी हैं खाजे को। तो हमारा खाजा जो है वो तैयार हो गया है एकदम बन के खाने के लिए। तो क्या आपको भी खाजा पसंद है? तो ये देखिए ये है छोटी दिवाली का क्लिप, जो दिवाली के एक दिन पहले वाली रात होती है। तो ये मैं यहाँ पे यम का दिया निकाल रही हूँ, और 11 बज रहे थे तब, हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे उसके बाद ही मैं ये दिया निकाली थी। तो ये देखिए, और ये देखिए हमारा घर जो है वो पूरी तरह से सज गया है दिवाली के लिए। और मेरा फोन भी इसी में खराब हो गया है इसी समय। तो देखिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया है, लाइट पूरा चमक रहा है तो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है ये वाले फोन से। सो फ्रेंड, तो ये देखिए इस बार का रंगोली थोड़ा सा तिरछा हो गया, पर जैसा भी है अच्छा है। सो फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी दीपावली पूजा की, और कैसे मनाए हम लोग दीपावली, तो नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह का लग रहा है घर हमारा बाहर से। सो फ्रेंड, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।